हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी उठ चुकी हूँ मैं। टाइम हो रहा 6:30, पता नहीं इतनी जल्दी आँख क्यों खुल गई। अभी सब सो रहे हैं घर में, मतलब पापा तो ड्यूटी चले गए, मम्मी पता नहीं कहाँ गए, दूध वूध ले सो रहे हैं। सो रहा सनी। तो गाइस, ये भी मम्मी के साथ उठ जाता है जब मम्मी उठती है। दोनों दादी पोते एक साथ खेलते रहते हैं। करिएगा करिए, एक बार कोई बुला रहा संदीप के। हमारे मम्मी ने बड़े गोला लिया ये, बस बूझो मत, इतने छोटे छोटे लाइए, आलू उनकी तरह लग रहे होंगे, आलू है सब। तो गाइस, ये बहुत नौटंकी है, किसी की गोदी में एक मिनट भी नहीं जाता। बस इसे सारे दिन ना नीचे छोड़ दो और खाट के नीचे बढ़ जाएगा, बेड के नीचे बढ़ जाएगा और फिर रोने लगेगा क्योंकि ये सही से खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए रेडी हो चुके हैं, मैंने पहना है ये वाला सूट नेहा का, और गाइस वे भी रेडी हो चुके हैं घर में, पता नहीं क्या करने में लगी पड़े हैं। और हम जाएंगे फिर रामपुरा मामा के यहाँ, क्योंकि मुझे गए काफ़ी टाइम होगा, तो मैंने सोचा चलो वहाँ भी घूम लिया थी जब मैं आई हूँ। तो और सनी से बोली कि पहले भैया रोज पहले करवा ले, वो करवा के नहीं गया, वो भाग गया ड्यूटी के लिए। कह रहा मैं 10:30 बजे तक आ जाऊँगा, 10:30 हो चुके हैं, अभी तक नहीं आया है। और भाई संदीप यहीं है, उसकी छुट्टी है, तो छुट्टी नहीं है, जाएगा 11-12 बजे। यू भी रेडी हो चुकी है यहाँ, यू भी तो वैसे ही कहीं ना जा रही, पर फिर भी तैयार होगी क्योंकि भैया रोज ना करती, भाई हम ही करते हैं, ना शिल्पा करती ना ये करती, ये दोनों नहीं करते, मैं करती हूँ। तो चल गाइस, मैं मिठाई लाना भूल गई, वैसे लेकर आती बट भूल गई। मैंने मन के पैसे दे दूंगी, तुम मंगा लेना। वैसे बहुत सारे डब्बे रखे हुए थे घर में और मेरा कुछ माउंड ऑफ था कल बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं लेके नहीं आई। तो मैं भी चलो पैसे दे दूंगी, अपना आप खरीद लेंगे जो इन्हें खाना होगा। वैसे रखी है मिठाई बहुत सारी। हाँ देखिए, तो कसम बना रहा देख, टू कॉपीस लगे यही संदीप पे, ये सही में ही चूरा नहीं खाना मुझे। बैठने पर लियो संदीप की ओर। पैसा तो मुफ्त बिना हो के पूरे कर का करे तो फिर हाँ खा हो गाड़ी से चलवा दी सारी। पर्स में पैसा है तो पर्स निकाल लाएगी तो। हाँ बेटा, हाँ लगा दे, इनकम लगा दे यार, आ रहा है छोटा सा लगा दे, कैसे दे एक काम, चोर तो भाग गया पैसा देने के मार में, कर सांझ को आके देगा ले सारी सब, तो देख कर राजी हो गया। थाली भर दी यानी पूरी 500 रुपया देकर थाली भर दी। चलो जी, नौ 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 देगा 1100 रुपया। मेरे 1100 लगा ले, 500 आगे लगा ले। अच्छा भैया 1100 रुपया कंजूस जो देने वाला है कि 18,000 रुपए तनख्वाह हो के भी 1000 रुपया देता हुआ रो रहा है। आ जाओ जल्दी आ जा, अब ब्लॉग में देखे ये सबसे ज्यादा वैसे ही वैसी कर रहे हैं। अब देख रहे अगले पर्स में से कितने पैसे देगा। तू गाय को राजी हो रही है, मम्मी तू राजी हो रही है, देखते ही कितने देगा। वैसे मुझे पता है संदीप से ज्यादा देगा, क्योंकि सामान लगा ना स्टैंड दिए मेरा स्टैंड। बर्फी लेगा ये 200 रुपए की, 200 रुपए किलो वाली। यार पैसा ले लिया यहाँ काजू कतली वाले, और कुत्ते में लेकर आई हूँ बर्फी, पैसा दिए मैंने 500 रुपए डिब्बा के धारे। मैं तो 500 रुपए हमारे डिब्बा का खाएगा, तू भी थोड़ा खाएगा ये तो कुछ। अभी थोड़ी देर पहले अभी पूरी सैलरी निकाल के देगा 500 से। 40 रुपए गोला लाइए, पैसा दे।
और 200 रुपया गोले आए सारे तो आए 200 सारे दोनों एक से हो रहे देख ले तू कह रहा 40 रुपया गोला लाई है तो सारे लाई एक 200 रुपया का आए नहीं बेच रहा है तेरी इन पे 180 रुपए किलो होगा 200 रुपया बोले आए बस तो गाइस यहाँ पर हम आ गए थे अपनी मौसी के घर क्योंकि हमें जाना था अपने मामा के घर पे मामा ने क्या कुछ भी दे हमारा सिर माथे पे डिब्बा तो खुश हो गया इतना बड़ा काजू कतली का सोचा है पर विचार देता ही ना मामा कुछ हाँ पापा अभी नहा रहा आप ऊपर निकल रहे हैं तुम्हें पता रहा नहीं सो कितना झूठ बोले के बनाया मैं न्यू गाइस नहीं सो के बनाया नीरज कुमार ठीक है शाम को बना लेता बेइज्जती कर दी इनको मुर्गा बना लेना नाना ना सकते हो ये इंस्टा आईडियाज की निशु निशांत भाटी करके तो प्लीज इन्हें भी जल्दी जल्दी फॉलो करो अच्छे से फॉलोवर बढ़वा दो मेरे भाई के भी बहुत अच्छा यूट्यूबर है भाई इसने मुझे बहुत सपोर्ट करा व्लॉगिंग में और जल्दी जल्दी से इसे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे भी फॉलो करो। तो चलो गाइज अब हम चल दिए हैं अपने मामा के घर क्योंकि काफी टाइम हो गया था हमें गए हुए 7-8 महीने हो गए थे तो मैंने सोचा मैं भी चलूं इनके साथ मिलन होगा। नमस्ते मौसी बढ़िया बढ़िया तुम बताओ जा रहे हो तुम मैं बाजारों का हूँ अच्छा नमस्ते कल बुआन से बुआ जा रही नमस्ते भाई भाभी नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते हाँ बढ़िया नहीं चल चल गिर मत जाइए पर ऐब मत करिए। तो गाइस अब देख सकते हो हमारे नाना पे भी बड़ा फोन है आ चुके हैं अपने मामा में नाना हमारे लिए पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे खाने में क्या क्या बनवाओगे पापा खाने में क्या बनवाओगे आज मौसी ने इतने झूठ बोले घर नु कही पापा ने मेरे द्वारा फोन करा और पापा नु कही कौन कौन सी सब्जी खाओगे आलू आलू बना देना आलू ही बना लेना। तो गाइस पहले मेरी नानी रखी अपने पर्स में टॉफी अब नाना भी रखने लगे अलग। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने मामा के यहाँ और ये है मामा का घर हमारे का अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हो रह रहा थोड़ा बहुत और यहाँ बैठे पापा भाई पापा मैं अपने नाना बोलती हूँ क्योंकि मैं छोटी सी ही रही थी इसलिए मैं पापा बोलती हूँ। तो गाइस चलो अब हम पियेंगे थोड़ी देर में चाय अभी हमने खाए थे छोले भटूरे वो हमने इसलिए ना दिखाए पापा ने एकदम आते ही नहीं हमें डांट लगा दी इस चक्कर में। तो चलो भाई थोड़ी देर में मिलते हैं। यू कॉम्बिनेशन अच्छा ना लगा यू नीचे का और ऊपर का या तो सेम देते अलग अलग लग रहा है ना हाँ सेम अरे चाय वाले कितने जने एक दो बंद भी है खांसी हो गई भाई पापा को फिर भी पीते रह रहे मानते नहीं है। तो गाइस देख सकते हो मटर पनीर है ना यू
मटर पनीर बनी है और यहाँ पे बन रही है पूरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिंगाड़ा चोर ये एक एक करके सारे सिंगाड़े न खा जाएगी। एक लिया, एक लिया मंदे का। खा लो रसगुल्ले, मैं रसगुल्ले खा रही हूँ। अयो सिंगाड़े इन पर लगी पड़ी जो सही, यानी क्या सिंगाड़े खा लिए। आवे एक सिंगाड़ा खाते चलते बने, मैं ना खा रही, मैं तो रसगुल्ला खा रही हूँ। सरासर झूठ, यानी क्या ही खाया भाई, क्या ही खाया, झूठ बोल रही है। जितना ना खाना चाहिए मोटी हो जाएगी। दो बालक हो गए खा पी के, अब तो अपने आप देख कर ब्याह हो गए, तो बालक होंगे। नानी बन गई मैं तो, कह रही खा पी के दो बालक हो गए। मेरे तो खा के पी के दो बालक हो गए। यूं तो देख अभी आकर ब्याह होएगा, बालक होंगे। हाँ अभी से भाई ये मेरे से जलते हैं क्योंकि मैं मोटी होगी ना। पहले ही मेरा मजाक उड़ाते थे सब, पतली पतली, पहले परम शिवानी का मजाक उड़ा हुआ पतली पतली कह गए। अभी भी मोटी होगी पर इतनी मोटी ना हुई, डाइटिंग पे खाती पीती रहे भैया, पता ना कैसा है अपना फिगर इतना मेंटेन कर ले। यू कर रहा है वो बढ़ाई भी चढ़ेगा अभी। तो गाइस आ जाओ खाना खा लो, मिलते थोड़ी देर में मौसी को ही हमारा। हाँ 100 का दे दो यार, दुआ दा मैंने 50 अपने वापस दे दिए, 100 का मिलगा। बस नहीं नमस्ते करो, अभी पैर छुओ नाना के बेटा। तो गाइस अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूला करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टाटा बाय।